जिन्होंने इनको ये बोला है वो उनका दिमाग खराब। तो संसद में बवाल काट रही थाली में छेद वाली चाची ने अब अपनी बिरादरी के एक आदमी पर वार किया है। जी हाँ, इस बार वो आदमी है सलमान खान, यानी कि चुलमान खान। और चुलमान ने भी पलटवार करते हुए जया चाची को अच्छा सबक सिखा दिया। तो आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों जया बच्चन पर भड़क गया चुलमान, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संसद में जगदीप धनखड़ से पंगा लेने वाली जया चाची ने इस पर सलमान खान के पिता सलीम खान से भी पंगा मोल लिया है। आपको बता दें कि जया बच्चन ने सलीम खान को और जावेद अख्तर को बदतमीज कह दिया, तो उसका मुंह तोड़ जवाब सलमान खान ने दिया है। दरअसल सलीम जावेद की डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। ट्रेलर में जया बच्चन सलीम जावेद को ब्रेड कहती नजर आती हैं, बदतमीज कहती नजर आती हैं। सलीम जावेद की डॉक्यूमेंट्री के ट्रेलर लॉन्च पर एक इवेंट रखा गया और इस इवेंट में सलमान खान भी हाजिर रहा। सलमान अपने पिता सलीम खान के साथ स्टेज पर था और उसी वक्त जब सलीम जावेद से पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट्री में देखा गया कि कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने आपको ब्रेड कहा है, आपको बदतमीज कहा है, ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब सलमान खान देता है। और सलमान खान जो कुछ जवाब देता है उसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। सलमान खान ने अपने पिता और जावेद अख्तर की साइड लेते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो खुद बदतमीज हैं, इन्हीं लोगों ने सलीम जावेद को बदतमीज कहा, क्योंकि अपने दौर में ये नामी राइटर्स थे, काफी बिजी थे, कई लोगों के साथ काम नहीं कर सके क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था, यही कारण है कि वो लोग इन्हें बदतमीज कहते हैं। तो जिन प्रोड्यूसर्स को इन्होंने ना कहा उन्होंने ही इन्हें बदतमीज कहा, ये बिजी थे इसीलिए दूसरों के साथ काम नहीं कर पाए। जबकि सच्चाई ये है कि ये दोनों बिल्कुल भी घमंडी नहीं है, जिन लोगों ने इन्हें घमंडी का उनका दिमाग खराब है। तो कुछ इस तरह से सलमान खान ने इनडायरेक्टली जया बच्चन को जवाब दिया है। अब सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे हैं कि सलमान खान का इशारा जया बच्चन की तरफ ही है, क्योंकि ट्रेलर में दिखाया गया है कि जया बच्चन सलीम जावेद को ब्रेड्स कहती नजर आती है। तो आजकल थाली में छेद वाली आंटी ट्रेंड कर रही हैं सदन में अपने बेहुदा बर्ताव के लिए। इस बीच जया बच्चन का एक और कांड वायरल हो गया है जिसमें उन्होंने एक टैलेंटेड आउटसाइडर एक्टर को बहुत बुरी तरह से लताड़ दिया था। तो आखिर कौन है वो बॉलीवुड एक्टर, कैसे खुली जया बच्चन की पोल, किस तरह थाली में छेद वाली आंटी ने किया था इस एक्टर को बेइज्जत, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच जो वाद विवाद हुआ उसने सियासी पारे को हाई कर दिया है। मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें सारा विपक्ष एक तरफ दिख रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। जया बच्चन ने जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर जिस तरीके से रिएक्शन दिया, जगदीप धनखड़ से इस पर वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने सीधे सीधे जया बच्चन को हड़का दिया। उन्होंने साफ कहा कि आप होंगी सेलिब्रिटी लेकिन यहाँ पर एक डेकोरम आपको मेंटेन करना होगा। वो अलग बात है कि जया बच्चन भी कहती हुई नजर आई कि मैं एक कलाकार हूँ और मैं बॉडी एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशंस अच्छे से पहचान लेती हूँ, जिस पर जगदीप धनखड़ ने कहा एन एक्टर इज सब्जेक्टेड टू द डायरेक्टर। ये बहस इतनी बढ़ गई कि सदन से बाहर भी इसकी चर्चा होने लगी। और लीजिए अब एक और किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो ये बताता है कि जया बच्चन कितनी गुस्सैल हैं। यूं तो आपने उनकी कई तस्वीरें देखी होंगी, कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें उनके फेस एक्सप्रेशन साफ तौर पर जग जाहिर हो जाते हैं कि वो कितने गुस्से में हैं। पेपराजी के सामने कई बार वो इस तरीके से रिएक्ट कर देती हैं कि लोग कहते हैं कि ये तो वाकई में अभी से सठिया गई हैं। सोचिए लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जया बच्चन के लिए, और उसके बाद सोने पे सुहागा सदन में जो कुछ हो गया। लेकिन इन सब के बीच ये जो किस्सा है ये एक बहुत फेमस बॉलीवुड एक्टर से जुड़ा हुआ है। इस बॉलीवुड एक्टर को भी जया बच्चन ने लताड़ लगाई थी, वो भी एक बार नहीं दो दो बार। तो कौन है ये एक्टर? इस एक्टर का नाम है अरशद वारसी। सर्किट के नाम से भी वैसे आप इन्हें बखूबी जानते हैं। मुन्ना भाई, एमबीबीएस जैसी फिल्म इन्होंने दे रखी है संजय दत्त के साथ। और इसके अलावा अरशद वारसी बॉलीवुड के बेहद टैलेंटेड और दमदार एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। अरशद वारसी ने एक बार एक किस्सा सुनाया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि कैसे वो अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए जा रहे थे और बनियान और हाफ पैंट में ही चले गए।
जिसके बाद किसी ने उनको जया बच्चन का मैसेज पहुंचाया और उस मैसेज में ये था कि अरशद वारसी को बोलिए ढंग से और तमीज के कपड़े पहनकर गाड़ी में बैठें। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार तो दोनों का फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी हुआ था जिसमें जया बच्चन ने अरशद वारसी को सबके सामने लताड़ दिया था। हुआ ये कि अरशद वारसी ने खुद बताते हुए कहा था कि जया बच्चन ने उनको बुलाया और एक फिल्म पर उन्हें रिएक्शन लेना था, जिस पर सीधे सपाट शब्दों में अरशद वारसी ने कह दिया कि बकवास, यानी मुझे ये फिल्म पूरी बकवास लगी। उसके बाद जया बच्चन ने उनसे कहा अपनी राय अपने पास रखो। और इसी के साथ अरशद वारसी ये भी बताने से नहीं चूके कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का काला सच क्या है। वो काला सच ये है कि आपको कोई बात पसंद आए या ना आए, आपको हाँ में हाँ मिलानी ही है अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाला पावरफुल है। तो अरशद वारसी का ये किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने एक बार फिर से जया बच्चन को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी और कहा कि ये तो हर किसी के लिए ही एक जैसी है। तो जया बच्चन से जुड़े इस किस्से पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन का अपने ससुराल वालों के साथ झगड़ा इंटरनेट पर सबसे चर्चित विषयों में से एक है। फैंस अक्सर यह अनुमान लगाते हैं कि क्या बच्चन परिवार में सब कुछ ठीक है, क्योंकि हर बार कोई नया विवाद सामने आता ही रहता है। वहीं अब तक कई लोग ऐश्वर्या राय को ही दोषी मानते थे, लेकिन इस बार जब ऐश्वर्या राय ने पूरे बच्चन फैमिली को उनकी औकात दिखाई है तब फैंस ऐश्वर्या के ही सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे बच्चन परिवार अपनी बेटी और बहू के बीच फर्क करता है, कैसे बच्चन परिवार अपनी नशेड़ी गंजेड़ी बेटी को तो सर पे बिठाता है मगर बहू और पोती का सरेआम अपमान करता है। तो आखिर ऐसा क्या किया बच्चन परिवार ने कि ऐश्वर्या को सरेआम करना पड़ा ससुर अमिताभ को बेइज्जत, आपको दिखाते हैं बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो काफी समय से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐश्वर्या और अभिषेक अलग हो गए हैं, लेकिन उनका तलाक नहीं हुआ है और वो एक ही घर में अलग अलग रह रहे हैं। इसी तरह अफवाहों का ये भी कहना है कि श्वेता बच्चन और निखिल नंदा अलग हो गए हैं, लेकिन उनका भी तलाक नहीं हुआ है। हालांकि बच्चन परिवार निखिल के प्रति सम्मान रखता है, जबकि वे अक्सर ऐश्वर्या के प्रति बहुत अधिक नेगेटिव रवैया अपनाते हैं। हाल ही में रेडिट पर स्क्रॉल करते समय हमें एक पोस्ट मिली जिसमें बच्चन परिवार द्वारा अपने दामाद और बहू के संबंध में दिखाए गए व्यावहारिक अंतर को उजागर किया गया है। अफवाहों के अनुसार अभिषेक और श्वेता बच्चन दोनों की मैरिड लाइफ में समस्याएं हैं और वो अपने अपने लाइफ पार्टनर से अलग हो चुके हैं। हालांकि बच्चन परिवार निखिल नंदा और उनके परिवार के प्रति बेहद रिस्पेक्टफुल और फ्रेंडली है। दूसरी ओर बच्चन परिवार के सदस्य मुख्य रूप से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन अक्सर कई मौकों पर ऐश्वर्या पर कटाक्ष करते हैं, टॉट कसते हैं। वो ऐश्वर्या और आराध्या के अस्तित्व को भी अनदेखा करना पसंद करते हैं, लेकिन निखिल और श्वेता के रिश्ते के मामले में ऐसा नहीं है। एक नेटिजन ने लिखा दामाद और उनके परिवार को हमेशा बहू से ज्यादा सम्मान दिया जाता है इस घर में। वहीं अब ऐश्वर्या ने पलटवार करते हुए कुछ ना करते हुए भी बच्चन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल कल की फिल्म देखकर हर कोई अमिताभ बच्चन की तारीफ कर रहे हैं। कई रिव्यूज में ये तक कहा गया कि अमिताभ बच्चन ओवरशाइन कर गए हैं प्रभास और दीपिका पादुकोण को। अश्वत्थामा का रोल उन्होंने इतना जबरदस्त निभाया है तो एक तरह से पूरी दुनिया अमिताभ बच्चन की तारीफ कर रही है। उनके परिवार की भी अगर बात करें तो नाव्या ने भी अमिताभ बच्चन की फोटो शेयर की। अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन के लिए कल की फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। इस स्क्रीनिंग में अभिषेक बच्चन थे, उनकी पूरी टीम थी, लेकिन ऐश्वर्या मौजूद नहीं थी। और सोशल मीडिया पर अभिषेक की टीम की तरफ से ये भी शेयर किया गया कि वो पिता की इस फिल्म को देखकर कितने शॉक्ड थे और कितने खुश हुए अपने पापा का काम देखकर। अभिषेक सोशल मीडिया पर भी कल की फिल्म को लेकर चीजें शेयर करते ही रहे हैं, लेकिन बात करें ऐश्वर्या राय की तो ऐश्वर्या राय ने कल की फिल्म को लेकर एक पोस्ट तक नहीं किया है। जहां एक तरफ दुनिया अमिताभ बच्चन के काम की तारीफ कर रही है, क्रिटिक्स फैंस हर जगह अमिताभ बच्चन का जिक्र हो रहा है, वहीं ऐश्वर्या राय ने इंस्टा पर एक पोस्ट तक नहीं डाली है अमिताभ बच्चन को लेकर या कल्की को लेकर। अब सोशल मीडिया पर बस यही चर्चा चल रही है कि आखिर ऐश्वर्या ने कल्की को लेकर कोई भी पोस्ट क्यों नहीं डाली। वहीं ऐश्वर्या के फैंस कह रहे हैं कि ऐश्वर्या ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी फिल्मों की तारीफ कर रहे हैं जिसमें थे ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों, लेकिन तारीफ वो सिर्फ अपने बेटे अभिषेक की कर रहे हैं।
जैसे कि उन्होंने हाल ही में मणिरत्नम की फिल्म रावण फिल्म की तारीफ की, तो उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे अभिषेक के काम की तारीफ की। इसके अलावा कजरारे सॉन्ग के बारे में जब उन्होंने बात की, तब भी उन्होंने बहु ऐश्वर्या का जिक्र तक नहीं किया था। तो अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट में ऐश्वर्या की तारीफ नहीं की, उन्हें इग्नोरेंस दी है, तो ऐश्वर्या ने भी इधर इग्नोरेंस का जवाब इग्नोरेंस से ही दिया है। तो फैंस कह रहे हैं कि ऐश्वर्या ने चुप रहकर भी बच्चन को उनकी औकात दिखा दी है।